अनेक लोग यह चाहते हैं कि क्या तर्पण की कोई सरलतम विधि हो सकती है, तो आइए इस पर विचार किया जाए। पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक जितनी भी आचार्य परंपरा है, जितने आचार्यगण हैं, जितने भी विद्वतगण हैं जो नित्य तर्पण करते हैं, वो किस विधि से तर्पण करते हैं, वो विधि यहाँ पर आज आपके सामने प्रदर्शित की जा रही है। यह विधि सरलतम तो है ही और सबके लिए सुलभ भी है, बहुत अधिक साधन भी नहीं जुटाना पड़ते और हम अपने नित्य कर्म के साथ इस विधि का संपादन कर सकते हैं। तो आइए इस विधि को थोड़ा हम समझ लें और यह भी जान लें कि हमें कैसे बड़ी सरलता के साथ में तर्पण करना है। तर्पण में मुख्य रूप से तीन विधियां हैं जिसे हम क्रमशः समयानुसार देख रहे हैं। इसमें पहली विधि जिसमें दोनों हाथों से तर्पण करना है, दूसरी विधि एक पात्र से दूसरे पात्र में जल पितरों के लिए, देवताओं के लिए, ऋषियों के लिए अर्पित करते हुए तर्पण करना है, और इस विधि में हम एक हाथ का उपयोग करते हुए तर्पण संपन्न कर सकते हैं। तो इसे कैसे करना है, हमने जो पवित्रीकरण इत्यादि कार्य कर लिया, प्राणायाम कर लिया, संकल्प कर लिया, और अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथौ अद्य श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम देव ऋषि मनुष्य पितरी तर्पण अहम करिष्ये। देव ऋषि मनुष्य और पितरी तर्पण, यह हमने संकल्प कर लिया। यहाँ तक हम विधि देख चुके हैं। अब आगे की विधि में हमें सबसे पहले देव तर्पण करना है। देव तर्पण के लिए सरलतम यह है कि जो हमारा तर्पण पात्र हमने तैयार किया है, इस पात्र में गंगा जल इत्यादि तीर्थ जल का निक्षेप किया हुआ है, इसमें चंदन भी है, इसमें पुष्प इत्यादि श्वेत पुष्प हैं और तुलसी दल इत्यादि है, यह हमने लिया जल, और जल में सबसे पहले देवताओं का जब तर्पण करेंगे तो इस जल में अक्षत छोड़ लेंगे, अक्षत देवताओं के लिए। अब जब हमें देव तर्पण करना है, ऐसी तीन कुशा लें, इन तीन कुशा के अग्रभाग को सामने की तरफ कर लीजिए। इस कुशा को हमारे हथेली के मध्य भाग में स्थापित करते हुए और मध्यमा उंगली जो है इस तरफ से इसका अग्रभाग आगे की तरफ होगा, और इस तरह हमने जल लिया और जल लेकर ओम ब्रह्मादयो देवाः तृप्यन्ताम, ओम भूहु देवाः तृप्यन्ताम, ओम भुवः देवाः तृप्यन्ताम, ओम भूर्भुवः स्वः देवाः तृप्यन्ताम। यह हो गया हमारा देव तर्पण। अब यह जो देव तर्पण हुआ, इसके पश्चात हमें ऋषि तर्पण करना है। ऋषि तर्पण में कुशा को क्या करेंगे, मध्य से ऐसे मोड़ लीजिए, और मोड़ करके यह जो पीछे का और आगे का भाग है इसे अंगूठे की तरफ यहाँ से दबा लें, और यह जो हिस्सा है जहाँ से हमने इसको मोड़ा है, यह छोटी उंगली के पास आ जाएगा। यहाँ पर हमने इसको दबा लिया और अंगूठे से ऐसे इसको यहाँ से थोड़ा दबा करके, तो अब ऋषि तर्पण है। ऋषि तर्पण के लिए उत्तर दिशा में मुख कर लीजिए। उत्तर दिशा में मुख करने के साथ आपका जो यज्ञोपवीत है उसको कंठी जैसा पहन लें, और यदि यज्ञोपवीत नहीं है तो जो आपका गमछा है उस गमछे को अपने कंधे पर ऐसे डाल लें। यह पात्र लें, पात्र में पुनः जल भरें, और पात्र में अब हम जौ इसमें निक्षेप करेंगे। जौ का निक्षेपण हो गया, अब हम ऋषियों के लिए तर्पण करें। हथेली में जल डालेंगे, ओम सनकादयो ऋषयः तृप्यन्ताम, दो दो बार, देवताओं के लिए एक अंजलि, ऋषियों के लिए दो दो अंजलि, और पितरों के लिए तीन तीन अंजलि। ओम सनकादयो ऋषयः तृप्यन्ताम। अब ये जो सनकादिक ऋषि हैं इनके लिए हमने दो अंजलि दिया। इसके बाद ओम भूहु ऋषयः तृप्यन्ताम, ओम भूहु ऋषयः तृप्यन्ताम, ओम भुवः ऋषयः तृप्यन्ताम, ओम भुवः ऋषयः तृप्यन्ताम, ओम स्वः ऋषयः तृप्यन्ताम, ओम स्वः ऋषयः तृप्यन्ताम, ओम भूर्भुवः स्वः ऋषयः तृप्यन्ताम, ओम भूर्भुवः स्वः ऋषयः तृप्यन्ताम। अब ये देखिए ऋषि तर्पण हो गया। अब इसमें थोड़ा सा समझ लें,
हमने देवताओं के तर्पण में ब्रह्मादयो देवाहा, ब्रह्मा आदि सारे देवता हैं वो सब ब्रह्मा जी के साथ में उस अनुक्रम से आ गए। फिर भूहु देवाहा तृप्यंताम, और भुवः देवाहा, स्वः देवाहा और भूर्भुवः स्वः देवाहा। तो भूलोक के जितने देवता हैं, भूवर लोक के जितने देवता हैं, स्वर लोक के जितने देवता हैं और भूर्भुवः स्वः, इस लोक में, इस त्रिलोकी में जितने देवगण विद्यमान हैं उन सबको हम तृप्त कर रहे हैं। इसी तरह से सनकादिक जो ऋषि हैं उनका हमने तर्पण किया, और उसके साथ में भूलोक में जितने ऋषि हैं, भुवः लोक में जितने ऋषि हैं और स्वः लोक में जितने ऋषि हैं, भूर्भुवः स्वः, इस लोक में जितने ऋषि हैं ये सब हमारे इस जलांजलि से तृप्त हो जाएं। तो इसमें कोई भी शेष नहीं बचा। तो यह संक्षिप्त में देव और ऋषि तर्पण हो गया। अब आइए हम पितृतर्पण करते हैं। पितृतर्पण में हमने कलश में अपने पात्र में जल ले लिया, और इस पात्र में हम अब तिल निक्षेप करेंगे, तिल डालेंगे। तिल हमने पात्र में डाल ली, अपना मुख दक्षिण दिशा की ओर, और जो जनेऊ है उसको हम दाहिने कंधे पर रख लेंगे, ऐसे दाहिनी तरफ से पहन लेंगे। और यदि जनेऊ नहीं है तो जो गमछा या वस्त्र है, टावेल है, उसको हम दाहिने कंधे पर रख लेंगे। और अब हम करेंगे किनके लिए जलांजलि देंगे, पितरों के लिए। अब पितरों की जलांजलि के संबंध में ये बात ध्यान में रखें कि यदि हम जैसा कि देखते हैं उस जलांजलि में क्या होता है, इस तरह से अंगूठे के पास से जल छोड़ते जाते हैं हम लोग, यह गलत पद्धति है। जल हमेशा हमें तर्जनी उंगुली के मूल से छोड़ना है, और दूसरी बात हमें दक्षिण दिशा की ओर छोड़ना है, क्योंकि हम यदि दक्षिण दिशा में मुख करेंगे और अंगूठे की तरफ से जल छोड़ेंगे तो जल किधर जाएगा, पश्चिम दिशा में जाएगा, जो कि पूर्वजों की दिशा नहीं है। हमारे पूर्वजों की, हमारे पितरों की दिशा दक्षिण है, तो इसलिए दक्षिण दिशा की तरफ हमें जल छोड़ना है। अब कैसे छोड़ेंगे, देखिए हाथ को थोड़ा सा ऐसा घुमा लें, कुशा को जैसा पकड़ा है उसी तरह से पकड़े रहेंगे, यहाँ पर जल हाथ में डाल करके, ओम कव्यवाडनना दयः पितरः तृप्यन्ताम्, ओम कव्यवाडनना दयः पितरः तृप्यन्ताम्, ओम कव्यवाडनना दयः पितरः तृप्यन्ताम्, ओम भूः पितरः तृप्यन्ताम्, ओम भूः पितरः तृप्यन्ताम्, ओम भूः पितरः तृप्यन्ताम्, ओम भुवः पितरः तृप्यन्ताम्, ओम भुवः पितरः तृप्यन्ताम्, ओम भुवः पितरः तृप्यन्ताम्, ओम स्वः पितरः तृप्यन्ताम्, ओम स्वः पितरः तृप्यन्ताम्, ओम स्वः पितरः तृप्यन्ताम्, ओम भूर्भुवः स्वः पितरः तृप्यन्ताम्, ओम भूर्भुवः स्वः पितरः तृप्यन्ताम्, ओम भूर्भुवः स्वः पितरः तृप्यन्ताम्। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ तक का जो तर्पण है यह प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है, अर्थात जिसके माता पिता जीवित हैं वह बालक भी कर सकता है, वृद्ध भी कर सकता है, युवक भी कर सकता है। तो यहाँ तक के तर्पण को सभी लोग कर सकते हैं। आगे का जो तर्पण है उसमें थोड़ा सा विधान है। विधान क्या है, जिसके माता पिता जीवित हैं, जीवित पितृक कहलाते हैं वो, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा विधान यह है कि यदि घर में कोई तर्पण करने वाला नहीं है और घर की वह छोटी संतान है, बड़ी संतानें या बड़े भाई इत्यादि, या घर के कोई और ज्येष्ठ और परिवार के अन्य सदस्य यदि तर्पण नहीं कर रहे हैं और कदाचित छोटे को तर्पण करना है, तो ऐसी स्थिति में बड़े लोगों की आज्ञा लेना है, माता पिता की आज्ञा से पितरों का तर्पण करना है, बड़े भाई इत्यादि की आज्ञा से पितरों का तर्पण करना है। अब ये पितरों का तर्पण कैसे किया जाएगा, यहाँ पर हम प्रत्येक तर्पण के साथ तीन पीढ़ी का प्रयोग करते हैं। और वो तीन पीढ़ी का प्रयोग कैसे होगा, सबसे पहले हमें गोत्र का उच्चारण करना है, फिर अस्मत पिता, हमारे पिताजी, अमुक नाम, ऐसा उच्चारण करना है। अब इसमें जो अमुक आता है तो अमुक का मतलब होता है जिनका नाम, जिनके लिए हम कर रहे हैं उस व्यक्ति के लिए अमुक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो मान करके चलें कि कश्यप गोत्र है और किसी के पिता का नाम रामलाल है और वह दिवंगत हैं, उनके लिए जलांजलि देना है, तो कैसे करेंगे, कश्यप गोत्र अस्मत पिता रामलाल तृप्यताम
इदं जलं तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। अब इसी तरह से पितामह के लिए, कश्यप गोत्रः अस्मत् पितामहः, अमुक नाम, अमुक नाम मान लीजिए उनका नाम कृष्णचंद्र है, कृष्णचंद्र रुद्र स्वरूप तृप्यताम, इदं जलं तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। अब उनके पिताजी, मतलब पिताजी, दादाजी और परदादाजी, परदादाजी का नाम पन्नालाल है, तो इस तरह से करेंगे, कश्यप गोत्रः अस्मत् प्रपितामहः श्री पन्नालाल, आदित्यस्वरूपः आदित्यस्वरूपस्तृप्यताम, इदं जलं तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। अब यहाँ ये ध्यान रखना है कि यदि किसी के पिताजी जीवित हैं और दादा, पर दादा और वृद्ध पर दादा नहीं हैं, तो अगली पीढ़ी से तीन पीढ़ी का तर्पण करना है, और उसके लिए क्या बोलेंगे, अस्मत् जनकस्य पिता, कश्यप गोत्रः अस्मत् जनकस्य पिता रामलाल, वसु स्वरूप तृप्यताम, इदं जलं तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, ऐसे तीन बार, और फिर उनके जो दादाजी हैं और परदादाजी हैं उनके लिए जलांजलि दी जाएगी। अब इसके बाद पिताजी की ये तीन पीढ़ी, पिताजी, दादाजी, परदादाजी, इसके बाद माताजी का क्रम आया। माताजी के लिए ठीक उसी तरह से, कश्यप गोत्रा अस्मन माता, कश्यप गोत्र हो गया, अस्मन माता और माँ का नाम यदि आपको ध्यान है तो ध्यान करिए उनका, गंगा देवी वसु स्वरूपा तृप्यताम, इदं जलं तस्यै स्वधा नमः। यहाँ पर आपको जब स्त्री के लिए बोलना है तो तस्यै स्वधा नमः, और पुरुष के लिए किसी को जल अर्पित करना है तो तस्मै स्वधा नमः, ये बारीकी से ध्यान रखना है। यदि स्त्री है तो अस्मन् माता गंगा देवी वसु स्वरूपा तृप्यताम, इदं जलं तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। फिर यथा नाम गोत्रा अस्मत् पितामही भागवती देवी रुद्र स्वरूपा तृप्यताम, इदं जलं तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। इसी तरह से यदि प्रपितामही, तीसरी पीढ़ी, यथा नाम गोत्रा अर्थात कश्यप गोत्रा, जो आप गोत्र बोल रहे हैं, आपका जो गोत्र है, अस्मत् प्रपितामही रामवती देवी आदित्य स्वरूपा तृप्यताम, इदं जलं तस्यै स्वधा नमः, इदं जलं तस्यै स्वधा नमः, इदं जलं तस्यै स्वधा नमः। अब ये हमने पिताजी के लिए और माताजी के लिए जलांजलि दे दी, तीन तीन पीढ़ी को, पिता पितामह और प्रपितामह, इसी तरह से माता पितामही और प्रपितामही। यदि पिताजी जीवित हैं तो जनकस्य माता, जनकस्य पितामही, जनकस्य प्रपितामही, ये तीन पीढ़ी हो गई। अब इसके पश्चात हमें सबसे पहले नाना नानी के द्वितीय गोत्रा, जो दूसरा गोत्र है, मतलब हमारे जो नाना है, पर नाना है और वृद्ध पर नाना है, उनके लिए जलांजलि देना है। तो यदि जीवित हैं तो यहाँ जलांजलि की आवश्यकता नहीं है, और यदि जीवित नहीं है तो उनके लिए जलांजलि देंगे। जलांजलि कैसे, वही पात्र में जल लिया, और फिर यथा नाम गोत्रः अस्मत् मातामह, अमुक नाम, नाम ले लीजिए उनका गंगाराम जैसे, तो गंगाराम वसु स्वरूप तृप्यताम, इदं जलं तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। इसी तरह से मातामह, फिर अमुक नाम प्रमातामह और वृद्ध प्रमातामह, ये तीन हो गए। यथा नाम गोत्रः अस्मत् मातामह हो गया, फिर प्रमातामहः, अमुक नाम घनश्याम, अमुक नाम घनश्याम नाम रुद्र स्वरूप तृप्यताम, पहली पीढ़ी के लिए वसु का शब्द प्रयोग करें, दूसरी पीढ़ी के लिए रुद्र शब्द का प्रयोग करें, और तीसरी पीढ़ी के लिए आदित्य शब्द का प्रयोग करें। इसी तरह से नानी के लिए मातामही, प्रमातामही और वृद्ध प्रमातामही, इन्हें भी वसु, रुद्र और आदित्य, तृप्यताम, इदं जलं, जब स्त्री के लिए बोलेंगे तो तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। तो ये हमारी मातामह, प्रमातामह और वृद्ध प्रमातामह की ये हुई तर्पण विधि। इसके पश्चात अब आगे का क्रम, आगे के क्रम में सबसे पहले हमें
पिताजी के यदि बड़े भाई हैं जिसे हम लोग ताऊ जी कहते हैं, उनके लिए तर्पण करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से होगा, यथा नाम गोत्र, जो आपका गोत्र है, अस्मत् ज्येष्ठ पितृव्यः, पिताजी के यदि बड़े भाई हैं तो ज्येष्ठ पितृव्यः, तृप्यताम वसुस्वरूपस तृप्यताम, यदि आपकी ताई जी भी नहीं है तो पत्नी सहितः तृप्यताम, ऐसा कर सकते हैं, तो एक साथ दोनों का तर्पण हो जाएगा। इसी तरह से यदि पिताजी से छोटे भाई हैं तो उनके लिए कनिष्ठ पितृव्यः, इस शब्द का प्रयोग करना है, अस्मत् कनिष्ठ पितृव्यः अमुक नाम वसुस्वरूपस तृप्यताम, इदं जलं तस्मै स्वधानमः तस्मै स्वधानमः तस्मै स्वधानमः। ये हो गया। इसके पश्चात यदि कोई बहन आपकी ज्येष्ठ या कनिष्ठ बहन है, तो ज्येष्ठ बहन है तो उनके लिए ज्येष्ठ भगिनी इस शब्द का प्रयोग करेंगे और उनका नाम लेकर के तस्यै स्वधानमः तस्यै स्वधानमः तस्यै स्वधानमः। फिर यदि छोटी बहन है तो कनिष्ठ भगिनी अमुकी नामनी उसका नाम ले लेंगे और फिर तस्यै स्वधानमः तस्यै स्वधानमः तस्यै स्वधानमः। ये जल हमने तीन अंजलि दे दी। इसके पश्चात हमारे मामा पक्ष, मामा पक्ष में यदि मामा जीवित हैं तो तर्पण की आवश्यकता नहीं है और यदि मामा जीवित नहीं है तो तर्पण करना है। तो यथा नाम गोत्र अस्मन् मातुलः, मामा की जगह पर मातुल शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो अस्मत् मातुलः वसुस्वरूपस तृप्यताम, इदं जलं तस्मै स्वधानमः तस्मै स्वधानमः तस्मै स्वधानमः। इसके बाद यदि मामी भी नहीं है तो यथा नाम गोत्रा अस्मत् मातुलानी, मामी के लिए मातुलानी तृप्यताम, इदं जलं तस्यै स्वधानमः तस्यै स्वधानमः और तस्यै स्वधानमः। ये हो गया तीन तीन अंजलि जल। फिर यदि बुआ जी हमारी नहीं है तो पित्री भगिनी, बुआ के लिए पित्री भगिनी शब्द का प्रयोग होता है, यथा नाम गोत्रा अस्मत् पित्री भगिनी अमुकी नामनी, उनका नाम ले लीजिए और तीन बार जलांजलि दे दें, इदं जलं तस्यै स्वधानमः तस्यै स्वधानमः तस्यै स्वधानमः। इसी तरह से यदि मौसी नहीं है तो उनके लिए मातृभगिनी शब्द का प्रयोग करेंगे, यथा नाम गोत्रा अस्मत् मातृभगिनी वसुस्वरूपा तृप्यताम, इदं जलं तस्यै स्वधानमः तस्यै स्वधानमः तस्यै स्वधानमः। अब हमारे परिवार में कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हमारे बहुत सन्निकट के मित्र हों, जिनकी बात हम सभी मानते हैं, ऐसा कोई मित्र और उसका कोई भी जल देने वाला नहीं है, तो ऐसे मित्र के लिए भी हमें जल देना चाहिए। यथा नाम गोत्र अस्मत् मित्रम अमुक नाम वसुस्वरूपस तृप्यताम, इदं जलं तस्मै स्वधानमः तस्मै स्वधानमः तस्मै स्वधानमः। ये तीन अंजलि जल दे दिया। और इसके पश्चात हमारे जो गुरु हैं, यदि गुरु अब नहीं है जीवित तो गुरु के लिए भी जलांजलि देना अनिवार्य है, और यदि उनका नाम गोत्र इत्यादि हमें ध्यान नहीं है तो केवल इतना भी बोला जा सकता है, अस्मत् गुरुः तृप्यताम अस्मत् गुरुः तृप्यताम अस्मत् गुरुः तृप्यताम। यदि नाम और गोत्र आपको ध्यान है तो यथा नाम गोत्रः अस्मत् गुरुः अमुक नाम वसुस्वरूपस तृप्यताम, इदं जलं तस्मै स्वधानमः तस्मै स्वधानमः तस्मै स्वधानमः। ये गुरुदेव के लिए आपकी जलांजलि होगी। इसी तरह से ऐसा कोई भी व्यक्ति नरकेषु समस्तेषु, सभी नरकों में हमारा कोई पूर्वज जिसे कोई जलांजलि देने वाला नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के लिए भी जलांजलि हमको देना चाहिए। और इसी के साथ में आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम जगत तृप्यताम, इस वाक्य में सब कुछ यहाँ से लेकर के और ब्रह्म तक जितने भी जगत के प्राणी हैं, जितने भी जगत के वनस्पतियाँ इत्यादि हैं, जितने भी जगत में हमारे परिजन हैं, वो जिस जिस भी लोक में होंगे उन सबके लिए आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम जगत तृप्यताम आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम जगत तृप्यताम आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम जगत तृप्यताम। ये तीन अंजलि जल दे दीजिए। एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, और यह हमारा व्यक्तिगत संस्कार है और व्यक्तिगत भाव है। हमारे जो वीर सैनिक हैं
उनके परिवार में कैसी परिस्थिति है जो हमारी रक्षा के लिए अपने प्राणों को त्याग करके और हमारे मध्य में उपस्थित नहीं है, उनके परिवार में कोई नहीं है, ऐसे वीर सैनिकों के लिए भी प्रतिदिन जल दिया जाए तो श्रेष्ठतम कर्म होता है। तो इस दृष्टि से यदि हमारा भाव उनके प्रति समर्पित है तो हम जलांजलि दे सकते हैं। कैसे? यथा नाम गोत्राहा, सभी वीर सैनिकों के लिए एक ही वाक्य में, यथा नाम गोत्राहा अस्मत् वीर सैनिकाहा वसु रुद्र आदित्य स्वरूपाहा तृप्यंताम इदम जलम तेभ्य। अब सबके लिए जब बोलेंगे तो तस्मै की जगह तेभ्य स्वधा नमः, तेभ्य स्वधा नमः, तेभ्य स्वधा नमः। एक यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी पूरी सृष्टि की जो धारक हैं वो गौ माताएं हैं, और गौ यदि तृप्त होगी तो धन धान्य इत्यादि से हम परिपुष्ट होंगे, हमारा जीवन परिपुष्ट होगा, क्योंकि पृथ्वी गौ रूपा है। तो गौ माताओं के लिए भी हमें तीन अंजलि जल देना चाहिए जो किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नष्ट कर दी गई हैं, और उनके बिना इस पूरी पृथ्वी के ऊपर अनेक प्रकार के अनाचार बढ़ रहे हैं। तो गौ माताएं तृप्त हों इस दृष्टि से यथा नाम गौ मातरः, यथा नाम गौ मातरः तृप्यंताम। गायों का भी हम लोग नाम रखते हैं, जैसे गंगा है, हम कभी किसी को रेवा बोलते हैं, कभी किसी को गौ माता को हम जो है श्यामा बोलते हैं। तो यथा नाम गोत्राहा अस्मत् गौ मातरः प्रियंताम इदम जलम ताभ्यः स्वधा नमः। यहाँ पर तेभ्य की जगह पर ताभ्यः, ताभ्यः स्वधा नमः, ताभ्यः स्वधा नमः, ताभ्यः स्वधा नमः। इस तरह से यह हमारी जो तर्पण की विधि है यह अब यहाँ पर पूर्ण होती है। वापस हम पूर्व दिशा की ओर मुख कर लेंगे, पूर्व दिशा की ओर मुख करके और फिर जल लेंगे, और जल लेकर के इस कुशा को मध्य से हम वापस सीधा कर लेंगे। हमने जो कुशा के अग्रभाग को और पिछले भाग को मिला करके हमने बीच में से उसे मोड़ लिया था, वापस सामने करेंगे और फिर हम जलांजलि देंगे। कैसी जलांजलि? ब्रह्मादयो देवाहा तृप्यंताम, ब्रह्मादयो देवाहा तृप्यंताम, ऐसे एक बार जल देना है। और इसी तरह से भगवान सूर्य नारायण को जल देंगे, सूर्य नारायण तृप्यताम। अब यहाँ पर हमारी तर्पण विधि संपन्न हुई, और इस विधि को संपन्न करने के पश्चात दोनों हाथ जोड़कर हम पितरेश्वरों से प्रार्थना करेंगे। यदि आप प्रार्थना बोल सकते हैं तो इस प्रकार से प्रार्थना कर सकते हैं, गोत्रन्नो वर्धताम दातारो नोभिवर्धनताम वेदाः संततिरेव च श्रद्धा चनो मा व्यगमत बहुदेयं चनोस्तु अन्नं चनो बहु भवेत अतिथींश्च लभे मही याचितारश्च नः संतो मा च याचिष्म कंचन। अर्थात हे पितरेश्वरों, हमारा गोत्र बढ़ता रहे, हमारे गोत्र में जो संतति पैदा हो उनमें दाता भाव पैदा हो, दान करने की प्रवृत्ति हो, और वेद विहित कर्म हम करते रहें, श्रेष्ठ कर्म करते रहें, हमारी श्रद्धा कभी भी नष्ट न हो, हमारे घर में अन्न पर्याप्त मात्रा में हो और अन्न हमें खाने की इच्छा भी बनी रहे, अन्न को हम पचा सकें, अतिथि हमारे घर में हमेशा आते रहें और लोग हमसे मिलते जुलते रहें, और हम कभी भी किसी के आगे हमें हाथ फैलाने की स्थिति न बने, और हमारे द्वारा हमेशा लोगों का उपकार होता रहे, ऐसी आपकी कृपा हमारे पूरे परिवार पर बनी रहना चाहिए। फिर हम तीन बार आचमन करेंगे, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। ऐसे तीन बार जल पी लिया, फिर हाथ में जल लेकर अनेन कृतेन यथाशक्ति देव ऋषि मनुष्य पितृ तर्पणाख्येन कर्मणा समस्त पितृस्वरूपी जनार्दन वासुदेव प्रियताम न मम, ऐसा करके जल पात्र में छोड़ देंगे। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत, ये तीन बार बोलें, और इस तरह से हमारी तर्पण विधि पूर्ण हो। या स्वधा नमः।